हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडी अबाउट द हेलो इंग्लिश रीडर क्लास सिक्स एंड चैप्टर फोर इज द रोड नॉट टेकन। गेट सेट गो दैट, इसमें जो आपका द रोड नॉट टेकन है, इसमें आपको सबसे पहले हम सारांश की बात करेंगे। दिस पोएम इज रिलेटेड टू आवर रियल लाइफ, यानी ये जो पोएम है वो रिलेटेड माने संबंध है किससे, हमारे जीवन से। यानी द रोड नॉट टेकन जो ये आपका चैप्टर है, तो ये जो चैप्टर है आपके जीवन से संबंधित। समटाइम यानी कुछ समय वी फेस डिफिकल्टीज इन लाइफ, यानी हम लोग क्या करते हैं, फेस करते हैं कठिनाइयों को अपने जीवन में। एंड कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू डू इन द प्रेजेंट सिचुएशन, और हम लोग ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमें वर्तमान परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो वी वुड लाइक टू चूज बोथ पाथ्स, अगर वी वुड हमें चाहिए पसंद करना, चूज माने दोनों पाथ चुनना चाहिए, दोनों वर्तमान रास्ते, बट इज नॉट पॉसिबल। यानी हमें कहने का मतलब, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं जो पास्ट में भी हमें समस्या डालते हैं और प्रेजेंट में भी कठिनाइयाँ डालते हैं। अगर हमें उन दोनों रास्तों में से किसी एक को चुनना हो तो ये बहुत ही क्या होता है, संभव नहीं होता है, बहुत ही कठिन होता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल। वी स्टैंड, हमें क्या करना चाहिए, वहाँ खड़ा होना चाहिए। एंड लुक एट द डिफरेंट सिचुएशन, और देखना चाहिए अलग अलग परिस्थितियों के बारे में। एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड टू चूज वन पाथ, और यदि ऐसा होता है कि एक ही रास्ते चुनने का निर्णय है, तो सो वी शुड थिंक केयरफुली। अगर आपको सिर्फ उन दोनों रास्ते में से किसी एक रास्ते को चुनना है, तो उन दोनों रास्तों में से एक को चुनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए। सोचने विचारने के बाद ही हमें अगले अपने जीवन में सोचना चाहिए, बिकॉज इट इज आवर लाइफ, क्योंकि वो हमारा जीवन है। हम अगर अच्छे तरीके से अच्छा रास्ता नहीं चुनेंगे तो हमारा जीवन क्या है, व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। टू रोड डाइवर्ज इन ए लोड, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड। कहने का मतलब, दो रास्ते हैं का इस, ये जो आपकी कविता है, इस कविता में जो लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यारे कवि हैं जिसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कहते हैं कि दो रास्ते क्या कर रहे हैं, एक जंगल से या लकड़ियों से दो रास्ते गुजर रहे हैं। एलोड का मतलब हुआ वो रास्ते जो क्या हो गए हैं अंटमन सीजन में, क्या हो गए हैं, पीले हो पड़ गए हैं, क्योंकि सारे पत्ते अंटमन सीजन में क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, और वहां पर जो रोड होते हैं वहां पे जो चीजें होती हैं सब सूख जाती हैं, येलो कलर की दिखाई देने लगती। और तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन एलोड, यानी दो रास्ते क्या हुए हैं, एक ही स्थानों पर डाइवर्ज हो गए हैं, मिल गए हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और हालांकि एंड सॉरी, अफसोस की बात यह है कि मैं क्या नहीं कर सकता, दोनों रास्ते पर ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं ही अकेला हूं, मैं दोनों रास्तों पर एक ही समय में कैसे जा सकता हूं। लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक वहां खड़ा रहा, एंड लुक डाउन एज फार एज कुड टू बियर अंडरग्राउंड, और मैं वहां खड़ा होकर देखता रहा, हर तरफ जो रास्ते दूर तक जा रहे थे उसको मैंने देखा, जो नीचे और हर तरफ चारों तरफ के रास्ते को मैंने देखकर अपना निर्णय लिया। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फार एंड हैविंग परहैप्स द बेटर
claim because it was grassy and wanted wear. Thor has for that the passing there had warned them really about this. They then took the other. तब मैंने क्या किया? अपना दूसरा रास्ता क्या किया? As far as जो हमारे लिए सबसे अच्छा था, and having perhaps the better claim, जिस पर हम लोग क्या कर सकते, शायद इस तरह क्लेम कर सकते थे कि उस पर कोई नहीं गया है. Because it was grassy, क्योंकि क्यों नहीं गया है? क्योंकि उस पर बहुत सारी घासें थीं, and wanted wear, और वो घासें पूरी तरफ से जमी हुई था. एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड गॉन टू रियली अबाउट द सेम. हालांकि वहां पर हमने देखा कि उस रास्ते से वहां कोई नहीं गुजरा है. हैड गॉन देम रियली अबाउट द सेम, क्योंकि उन दोनों रास्ते पर सेम जैसे ही दिख रहे. एंड बोथ, नेक्स्ट पैराग्राफ है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. यार दोनों, यानी एक और मैंने क्या किया, एंड दो मॉर्निंग इक्वली ले. अब मैंने दोनों दिन सुबह में बराबर जैसा दोनों चीजें. इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और मैंने देखा कि जितनी भी पत्तियां थी नो वो सारी काली दोनों रास्ते की है. वो आई केप्ट द फर्स्ट अनदर डे, तो मैंने सोचा कि मैं दूसरे दिन क्या करता हूँ इस रास्ते को. एट नोविंग, लेकिन मैं ये सोचा कि मैंने क्या किया है, रास्ता तय कर लिया है. एट नोविंग हाउ मे लीड ऑन टू वे आई डोंट इफ द शुड नेवर कम बैक. मैंने ये सोचा कि मैं भाई हो सकता है तो मैं दूसरे ले सकता था, लेकिन मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ चुका हूँ उस रास्ते से मैं कैसे वापस आऊँगा, यानी जिस रास्ते पे मैं चल लेता हूँ उस पे उस रास्ते से फिर वापस आना काफी कठिन हो जाता है. नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाई समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई एंड Then has made all the difference. और मैं क्या किया, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई. मैंने क्या किया, शाहसी लोगों को बताया, बताऊंगा कि समवेयर एज एज की बहुत समय से ही ऐसा होता चला आ रहा है. टू वर्स रोड्स डाइवर्ज इन आउट, क्योंकि दो रास्ते हमारे लिए हमेशा बनते हैं. एंड मेट टू के डिफरेंस ट्रेवल बाई, और हर लोग अलग अलग तरीके से ट्रेवल करते हैं. एंड मेट ऑल द डिफरेंस, और वो हमारे जीवन में दोनों का अंतर बन जाता है. तो इस प्रकार आपके ये जो द रोड नॉट टेकन, आपके इस जो कवि ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि हमें कभी भी जो रास्ते हैं आपको अगर चुनना हो तो आप क्या करेंगे, अच्छी प्रकार से उसमें सोच विचार कर ही रास्तों को चुनना चाहिए कि कभी फिर उस रास्ते से हमें वापस लौट कर ना आना पड़े. हम जिस रास्ते को चुन रहे हैं उस रास्ते पर हमें आगे तक चलना है और उस पर सफलता प्राप्त करनी है. तो ये आपका जो फोर्थ चैप्टर है वो आपका क्लास सिक्स का समाप्त हुआ, और उससे रिलेटेड आपके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ट्रू फॉल्स हैं, और इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं जिसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.